सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रजित पंगाल। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। कैसे हो आप सब लोग भाई? फुल एनर्जी के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे से थोर बोल रहे हैं मुझे, बट दिन की शुरुआत करते हैं। भाई आजकल का मेरा स्केड्यूल कैसा हुआ है? ओ भाई, अब पहले दूध लिया, दूध यहीं रख के चले जाते भैया। दूध लिया, ये क्या कर रहे? ये मेरे से नाराज हुआ है भाई। हेलो, ये मेरे से एक पता क्यों नाराज हुआ है? क्योंकि मैंने इसको इंट्रो में नहीं लिया और इसने पिल्लो उठा लिया। हेलो, हाँ भाई, इसको कल नहीं लाएंगे, आगे से येलो येलो ही है। सो स्टार्टिंग ये है कि दूध को गर्म करना है, अंडे इनके बने हुए हैं, बट थोर के बच्चों का खाना भी मुझे तैयार करना है। शुरुआत सुबह सुबह मैं ये करने लग गया, क्योंकि भाई क्योंकि मैंने कई सारी चीजों में हाथ फंसाए हुए हैं, कई सारे काम करे हुए हैं, तो उन सब चीजों से मुझे एक सीख मिल गई भाई, हर जगह का हाथ नहीं फंसाते होते। तो अगर हर जगह हाथ फंसाओगे तो यही काम होगा, पूरा पूरा दिन आपका मतलब कि खुद के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। सो क्या हो रहा है, अब मैं सबसे पहले एक दूध उबालूंगा, क्योंकि भाई लेट ये चीजें मम्मी कर देते थे, बट यार मेरी मम्मी ना अब उनके टाइम पता क्या हो रहा है, 6:30 बजे का टाइम हो गया यार, तो वो सुबह सुबह चले जाते हैं, तो फिर और अभी 7 बजे है बस, तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, तो अब मुझे उठ के ही ये करना पड़ रहा है, तो कोई नहीं, कर देंगे यार, मम्मी भी तो करती थी। और ये देख लो, तेरे बालक हुए हुए हैं, और ये हरकतें तेरे ऐसे अच्छी लगती है तेरे पे, ये हरकतें हैं अच्छी लगती है तेरे पे, ये हरकतें हैं। छोड़ नाउ थोरो, आज भाई थोर को ना इसके बच्चे से मिलाएंगे, सेलेक्ट करेंगे अकड़ पकड़ बग में वो करके कौन से बच्चे से मिलाएंगे, ठीक है? बट इसको आज हम इसके बच्चे से मिलाएंगे, ठीक है? सो दोस्तों इसको ऐसे रख के, यार ये गिर जाती है यार, होप करना गिरे ना। मम्मी मैंने नहीं गिराई। चलो इस पौधे ने ऐसा क्या करा है भाई, है? चल दोस्तों, थोरो पता नहीं इस पौधे के साथ क्या दुश्मनी है, हर बार इसको पानी दे के जाता है, पर आज इसने पानी इस साइड दे दिया। चल रहे आ जा, आगे थोर सबसे पहले पैर साफ करता है भाई, और ये आदत है इसकी हमेशा से ऐसे ऐसे करके। तो हेला को दवाई दे देता हूँ, इसको पाइप तो पहले पिला दिया यार, क्योंकि बहुत देर से मांग रही थी, तो इसको एक बार दवाई और दे देता हूँ, और फिर चलते हैं अपने बच्चों के पास, थोर से मिलाएंगे। दोस्तों पहली बार हो रहा है कि थोर अपने बच्चों से मिल रहा है, और इतनी देर से वो घर पे ही थे। मैं दिखाता हूँ, भाई आ गया है छोटा भाई, यूं बता अब क्या करे, कोने को कहाँ करे? कोने को रूम में करना पड़ेगा, क्योंकि थोर को इधर ही लेके आते हैं हम, ये इनू मिनू से ये ज्यादा चीची कर रहे हैं, क्योंकि इनका खाने का टाइम हो गया, वो खाना ठंडा हो रहा है, इसी के नीचे रखा हुआ है मैंने, आगे ठंडा हो जाए, इसमें और चीजें भी मिक्स होंगी अभी तो। कोनी तू एक काम कर, शुभम तू ले आ उसको, मैं इसको अंदर करता हूँ। कोनी इधर आ जा, तेरा पंखा चला देता हूँ। कोनी 2 मिनट बैठे भाइयों, कुछ और करा तो देख लियो। कोनी सेट सेट बैठ जाए भाई, चलो बैठ जाओ, हाँ यहीं बैठे भाइयों, ठीक है? कुछ करा तो देख लियो। थोरे डॉन से मिले, थारू थारू तेरे बच्चे, ये थारू तेरे बच्चे, क्या कर रहे थे वो भाई? ये पता क्या भी कर सकते हैं, सुसु भी कर सकते हैं यहाँ पे, पता है क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे स्मेल आ रही होगी दूसरे सुसु की, मतलब कि दूसरे डॉग की, और ये यहाँ कर जाएगा, ये मेरा इलाका है। तेरे को ये नहीं पता है तेरे बालक है थोरू? हाँ बोल, गिर गया थोरी,
थोड़ी देख, थोड़ा देख तेरे जैसा पंजा। देख देख, अरे वाह भाई वाह, मुझे पूछ भी ला रहे। चल उसको ही निकालते हैं बाहर। निकाल लिया हमने इस प्यारे से पप्पी को। और ये बड़ा पप्पी, एक सेकंड मैं चेक कर लूं। हाँ, ये पप्पी अभी भी अवेलेबल है। और ये भाग के खड़ा होगा अभी, देखना। चल ये लो भाई, ये थोरू का बच्चू। ओए थोरू, खड़ा नहीं होएगा, खड़ा नहीं होएगा। थोरू तो तेरे बाल से क्यों नहीं मिल रहा यार? को मैं नीलता। थोरू ये क्या मतलब हुआ यार? देख तेरे से कितना छोटा तेरे सिर से। आ एक बार बता। नहीं इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आइए। क्या बात है, क्या बात है भाई? ये थोर ना मम्मी को मेरी शिकायत लगा देगा कि मम्मी मेरे साथ ऐसे से करा। ओ ये अपनी मम्मी को लगा देंगे फिर हैं? तेरा बच्चे है ये। अच्छा तू सुन ले, सुन ले, तेरा ही ब्लड है। अरे अरे चल आ, बस स्टे, सेट 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 थोरू, सेट सेट सेट। कैसे कूड़ में लगा दिया इसे? अरे भाई क्या हुआ है मुझे ये बता कि दिक्कत ये है, हैं? बता क्या दिक्कत है? ये तेरा बालक है भाई। थोरू ये तेरा बालक है। रुक रुक रुक, मौका देख के मार जा। रुक 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 भाई, भाई अब तो तू सरकुत कर रहा था, अब लेट गया। अच्छा अच्छा थोड़ी ये बता। अच्छा रुक जा जाइए मत गए, ठीक है? मन्नू बता दे कि इसमें दिक्कत क्या है। तेरा ही तो बच्चा है, देख आग नहीं मिला रहा। आग नहीं मिला रहा यार, पता क्या है, थोड़ा ना छोटे बच्चों से मतलब दूर ही रहता है। पहले खुशी के साथ खेलता था तो खुशी ये और इसके ना बहुत मतलब खेलते खेलते खुशी के एक दो बार चोट लग गई थी थोर की वजह से। तो उस दिन के बाद से इसने रूल बना लिया थोर ने कि मैं दूर ही रहूंगा भाई छोटे बच्चों से। जब ये खेलने लायक होंगे ना तब ये खेलने लग जाएगा। वो कौन ही बोल रही थोरू, थोरी अब इस सफाई अभी होएगी यार, उस चीज को थोड़ा बेयर करना। पहली बार सफाई नहीं दिख रही होगी आपको हमारे घर में, बट ये सारे जो है ना ये सारे इनके कैमरा तो चकाचक दिख रहा है। इनके इनके पंजों से ये खाना खाते हैं, वो पंजे लगा देते हैं, उसकी वजह से गंदा हो गया। और वैसे बाहर हम चप्पल पहन के नहीं आते। थोर पे ना इतना भरोसा है आंख बंद करके कि मतलब इसकी एक एक रग का पता है कि ये कर सकते है ये नहीं कर सकता। तो कोई कहे ना कि भाई कहीं मार दे गई, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। कोई पूछ ही ला रहे छोटू भाई, दोनों बाप बेटे कैसे बैठे हैं पता चल गया। थोरू थोरू भाई अगर तू मेरे पास आ जा, बैठ जा बैठ जा बैठ। हाँ बैठ, हाँ बैठ जा ना मेरे पास। ठीक है इसको दूर छोड़। तो बहुत सारी चीजें चल रही है और अभी आप लोगों के लिए एक और बहुत तगड़ा सरप्राइज आने वाला है और वो इना मीना से रिलेटेड है। कुछ और नई चीजें भी आ सकती है हमारे फार्म पे, तो वो भी बहुत अच्छा सरप्राइज है। तो क्वालिटी आप लोग देख सकते हो क्या चीजें है ये। और ये लो भाई, सो अगर आप में से किसी को लेना है तो पेटो एसटी के नंबर पे कॉल कर सकते हो। बहुत शानदार बच्चा और सारे बुक हो चुके हैं, ये रह रहा है। तो आप लोग मेरी फैमिली हो इसलिए आपके आगे बता देता हूँ। और दूसरी बात, एक भाई ने कमेंट करा था कि भाई अगर इतने अच्छे और ये चीजें होती तो पता नहीं कब की बुकिंग हो जाती। तो भाई साहब अभी तक बच्चे ना बाहर जाने के लायक भी नहीं हुए, मतलब 45 डेज पे बच्चों को दिखाते हैं लोग, दिखाते इन द सेंस कि हाँ भाई अब ले सकते हो। और हमारे बच्चे 45 डेज के 23 से 25 तारीख को होंगे। तो उससे पहले आप सबका प्यार है और हम सबकी मेहनत है कि सारे बच्चे बुक हो गए, बस एक बच्चा रह रहा है, ठीक है? तो ये आप सबका प्यार है और ये सिर्फ उस हेटर के लिए ही बात कही है मैंने। और ये इसमें कोई ये नहीं कि घमंड है कुछ है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने और मेरे को इस लेवल पे खड़ा करा है। और भाई ये मेरी गारंटी है कि अगर मेरे फार्म से कुछ भी जा रहा है तो वो क्वालिटी ही जाएगी। और हम भाई यहाँ पे बस ये है कि देखो हम एक कम्युनिटी बिल्डअप करना चाहते हैं जो इन सबको प्यार दे और एक क्वालिटी को भी अप्रिशिएशन मिलना चाहिए यार। जब एक बात बताओ, नंबर्स और स्किल्स में आप सबसे ऊपर की चीज मांगते हो तो भाई इनमें भी तो होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, स्कूल में या कहीं भी, या आप कहीं जॉब लेने जाओ या बिजनेस भी करो तो उसमें स्किल्स
सबसे मैटर करते हैं, तो सबसे हाई एंड चीज होगी ना, ऐसी क्वालिटी है यार। सो क्वालिटी की बात होती है, और ये नहीं कि कह रहा कि मैं ये क्वालिटी पे ही रुक जाएंगे, आगे आगे और चीजें अच्छी और इनसे और अच्छी अच्छी चीजें ले जाएंगे, बट साथ रहेगा तब लाएंगे, है ना भाई, है ना बिट्टू, है ना बिट्टू, अरे मेरे प्यारे बच्चा। चलो भाई इसी के साथ इस प्यारे से ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग में मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना अब हम और क्या क्या करें, क्योंकि थोर अब आ सकता है इस रूम में, तो और क्या क्या इसके साथ थोर के साथ कोई प्रैंक भी कर सकते हैं। थोर के ऊपर ही प्रैंक करेंगे, आज तक दुनिया ने मतलब आदमियों पे प्रैंक करे, हम थोर पे प्रैंक करेंगे, तो आप बताना क्या प्रैंक कर सकते हैं हम, ठीक है। चलो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, ओके बाय बाय।